उसके बाद आमतौर पर एक सवाल करते हैं कि ये मैं पैसे निकालता हूँ, निकाल कर किसी एक जमात को देता हूँ, वो जमात वाले वो पैसों को जमा करके खिजा का इंतजाम करते हैं और मिस्कीन को खिजा पहुंचाते हैं हाथ में। ये करना जायज नहीं है? बिल्कुल जायज। अगर ऐसा है तो आप एक दिन पहले दो दिन पहले अपने पैसे जमात को या फिर उस जमीन को पहुंचा दें, वो उसमें काम करने वाले खिजा खरीद के और ठेट उस वक्त से पहले। पांच लोग ज्यादा रहते हैं बांट नहीं पाते, ये बहुत बड़ी गलती है, परेशान कुल मसला है। बहुत ज्यादा रहते हैं, तकसीम कर नहीं पाते और ईद की नमाज हो जाती है, ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, ऐसे लोग गलती कर रहे हैं। अलबत्ता देने वाले की तो जिम्मेदारी खत्म है, लेकिन ये पकड़े जाएंगे। इस वजह से आदमी को और जमीयत को जमात को जो भी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि उसी की इख्तियार मिले जिसे वो तकसीम कर सकते हैं नमाज से पहले, जिसे वो तकसीम कर सकते हैं नमाज से पहले, उतना ही इख्तियार लें। ज्यादा लेके परेशान होना और उसे रोक के रखना ये गलती है और बाद गुनाह भी इख्तियार दिया, तो इस ढंग से दिया जा सकता है। और बाद लोग पूछते हैं कि ये चावल तेल गोश्त ये धान ये सब डाल के दे सकते हैं, और उसी तरीके से 10 लोगों की ज़कातुल फितर एक आदमी को दी जा सकती है और एक आदमी की ज़कातुल फितर 10 आदमी को दी जा सकती है। मतलब क्या है कि सब मिला के एक आदमी को दे सकते हैं और एक ही आदमी की ज़कातुल फितर को उसको बांट कर दे सकता है, लेकिन वो क्या बांटेगा, 3 किलो में क्या बांटेगा, अगर बांटना चाहो जाया है इसको 1 किलो इसको 1 किलो इसको 1 किलो दे सकता है, और 10 लोगों की जमा करें 30 किलो एक ही आदमी को भी दे सकते हैं ताकि वो उस दिन भी खाए और साल भर खाए, जायज है।